अस्सलाम गाइस, वेलकम टू बैक टीचिंग विद शाजिया खान चैनल। सो गाइस, आज हम आप लोग के लिए व्लॉग लेकर आए हैं। आज हम जा रहे हैं अपनी नानी के घर और वहाँ पर आप लोग के लिए एक सरप्राइज है और वो सरप्राइज आप लोग को थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। ये अनाबिया बैठी हुई है। सो गाइस, ये मेरी मम्मा बैठी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जा रहे हैं, मैं अपनी अम्मी की तरफ जा रही हूँ और वहाँ जाके एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। आप लोगों को बताना, गेस करेंगे वहाँ पे क्या सरप्राइज़ होगा। आज हम वहाँ जा रहे हैं और मैं आज वहाँ रुकूँगी, कल आएंगे हम लोग वहाँ से। और आप सब बस दुआ कीजिएगा कि हम सब खैरियत से जाएँ और खैरियत से आएँ, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं और रास्ते में भी आप लोग को हम व्यू दिखाएंगे। मैं अभी यहाँ से अपनी खाला को लेती हुई जाऊँगी, मेरी खाला भी साथ जाएंगी। हम पहले उनके घर जाएंगे, वहाँ से अपनी खाला को लेंगे और फिर हम वहाँ से घर के लिए अपने निकलेंगे। घर से निकल चुके हम लोग, गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम अपनी खाला को लेने जा रहे हैं। मैं आप लोग को रास्ते का व्यू दिखा। तो ये देखिए गाइस, ये बोटियाँ का रेशा कर रहे थे हम लोग, हलीम के लिए जो गोश्त का कोरमा बनाया था उसकी ये रेशा हो रही है बोटियाँ। और मेरी मुमानी है, मेरी भाभी हैं, ये लोग कर रहे थे बैठे हुए। ख़वातीन ये सारे काम कर रही थी, साथ ही बच्चियाँ भी बैठी हुई थी और बहुत मज़ा आ रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक के करम से बहुत मज़ा आ रहा था। ये बच्चा पार्टी हमारी बैठी हुई है, जो काम स्कूल का था वो लेकर बैठे हुए थे बच्चे। ये मेरी खाला की दोनों बेटियां हैं और वो दोनों आपको पता है कि मेरी बेटियां हैं। ये दोनों बेटियां मेरी खाला की हैं, उनको हमने रास्ते में से पिक किया था। मेरे घर के करीब ही रहती हैं तो हम लोग साथ ही आते हैं, साथ ही जाते हैं। और जो है ये बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। हर साल मेरे मामू माशाल्लाह हर न्याज नज़र करते हैं कि अलबीना और ईमान दोनों बहुत खुश थी कि हमने सारे काम आगे आगे बढ़ के सारे काम कर रही थी, हमने करने हमने करना है। ये लोग गोश्त लेकर जा रहे थे तस्लीम करके, जो हमने रेशा किया था गोश्त का। और अभी हालिम में देगों में भी ये लोग घोटे लगा रही हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत खुशी थी, बहुत दिल चाह रहा था कि हम करेंगे हम करेंगे। तो मामू ने ज़्यादा लड़कों को नहीं बुलाया, कोई दोस्त यार नहीं थे, सब घर के ही थे, घर के ही लोग थे, बच्चियाँ बच्चे हम लोग आपस में ही बस ये कर रहे थे। दो देगों का बनाया था मामू ने, दलीम। तो ये ईमान, एक देग में ईमान और एक देग में अलवीना, ये दोनों घोटे लगा रही हैं, क्योंकि इन लोग को बहुत शौक़ हो रहा था कि हम करेंगे। और अहमद रज़ा तो वो बहुत ही इस चीज़ के शौकीन हैं, कुर्बानी हलीम। बस ये अहमद रज़ा आ गए, उन्होंने ईमान से घोटा ले लिया, अब अहमद रज़ा लगे में पूरी रात ये बच्चे जागे थे। फजर में न्याज दिलने के बाद ये बच्चे सोए हैं घर पर। और ये अभी भी देखिए, ये मामू है मेरे, ये मेरे मामू उसमें गोश्त डाल रहे हैं, आधा इस देग में आधा उस देग में। ये माशाल्लाह कुर्बानी भी खुद करते हैं, गाय ज़िबा भी करना, हलीम बनाना, हर चीज़ का शौक़ है, तो ये सब काम खुद करते हैं। मेरे मामू का नाम फ़हीम है, एक सबसे बड़े मामू सलीम हैं, फैसल हैं, फिर ये फ़हीम है। माशाल्लाह मेरे तीन मामू हैं, दो खालाएँ थी मेरी, एक खाला की डेथ हो गई और एक खाला माशाल्लाह हयात हैं। उनके शोहर भी, अंकल मेरे जो हैं वो भी हैं, वो भी साथ में हाथ बटा रहे थे मेरे मामू का, काम करवा रहे थे। और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह, रात हमने बहुत इंजॉय करी। और इस तरह की न्याज नज़र घर में होती है माशाल्लाह, अल्लाह पाक बरकत देते हैं, बहुत अच्छा होता है घर में न्याज नज़र होना। हमारी नानी हर काम करती थी, हर न्याज नज़र। ये मेरे कज़न ने ताया के बेटे हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी बच्ची है, मामू के बच्चे हैं मेरे, सब आपस में बस गली में ही हम लोग इंजॉयमेंट कर रहे थे। ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं और बस ये बच्चा पार्टी हमारी। और अलवीना और ईमान तो बोल रही थी कि पूरी रात हमने ही घोटना है, बोलो तो घोटा ही नहीं छोड़ रही थी, दोनों लगी हुई थी। और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय करी। अल्लाह पाक सबके घरों में इसी तरह न्याज नज़र करे, अल्लाह पाक खैर व बरकत दे रिस्क में, अल्लाह पाक मेरे मामू को, मेरे ननियाल वालों को बहुत दे, सबको परवरदिगार दे कि अल्लाह पाक सबके घरों में न्याज नज़र कर रहे हैं। क्योंकि करोना लॉकडाउन इस चक्कर में बहुत वो होता है कि बस अल्लाह पाक न्याज नज़र को कबूल करे परवरदिगार,
जिस नियत से करी है वो जाके वो कबूल करे, वो नियत अल्लाह पाक देखते हैं और अल्लाह पाक बस नियतों को कबूल करे, नियाज नज़र को अल्लाह पाक कबूल करे। जिनके नाम की नियाज थी, इमाम हुसैन के नाम की नियाज थी, ये मेरे अंकल बैठे हुए हैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी बैठे हुए हरा धनिया पुदीना हरी मिर्चें कटिंग कर रहे थे ये लोग बैठे हुए। मेरे अंकल भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत नाइस हैं, बच्चों के साथ बच्चों की तरह, बड़ों के साथ बहुत अच्छी आदत के हैं माशाल्लाह। और ये है कि बस हम लोग आपस में मिलजुल के सारे काम कर लेते हैं तो ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता, अच्छा लगता है घर में सब आपस में मिल के काम कर रहे हैं। और अहमद रज़ा को देखिए बस लगे हुए, अब ये न्याज की बारी आ गई, न्याज दिली फजर में। और उम्मीद करूंगी कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और शाज़िया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, शाज़िया को सपोर्ट करें। और ये फजर का टाइम हो गया था, मेरे अंकल नियाज दे रहे थे और हलीम बहुत मज़े का बना था, सॉरी दलीम, मेरे मुँह पर हलीम ही चढ़ा रहता है, दलीम बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था माशाल्लाह। और इमाम हुसैन की नियाज का था तो क्यों नहीं अच्छा बनता। अल्लाह पाक मेरे मामू की इस नियाज को कबूल करे, उनके रिस्क में बरकत दे, तरक्की दे, परवरदिगार बहुत दे, जो जो नियाज नज़र करने वाले अल्लाह पाक उनकी नियाज उनकी रोज़ी रिस्क में बरकत दे, तरक्की दे, परवरदिगार। और अब मैं आपसे अल्लाह हाफिज़।